चलो जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ सनील सेंगर। अभी हम लोग लखमा जी के, मंत्री जी के बंगले आए हुए हैं और यहाँ से चुनावी माहौल जानने के लिए अभी कवरेज करने के लिए हम निकलेंगे। अभी मंत्री जी अपने कवरेज के लिए निकल चुके हैं, विधानसभा जो भी इनका क्षेत्र आता है। और ये हमारे मंत्री जी का बंगला है, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। पूरे प्रशासन की टीम यहाँ पे खड़ी साथ में है और इनके साथ साथ हम लोग भी निकलेंगे जहाँ कवरेज करना है। अभी हम लोग कवासी लखमा जी है जो मंत्री जी, उनके चुनाव प्रचार के लिए जो भी मंत्री जी दौरे में निकले हैं, हम लोग साथ में कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। और मंत्री जी का चेहरा अपन देखे हैं, गांव में एक अलग ही ताजगी रहता है और मंत्री जी के सामने से कोई चेहरा ही नहीं है। इस कारण वो अभी कंटिन्यू 5 साल से विधायक चुनते हुए आ रहे हैं और अपन को मान सकते हैं कि मंत्री जी की छवि ऐसी है, उनकी कार्यशैली ऐसी है जिसके कारण वो चुनते हुए आए हैं। बाई रोड भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बाई रोड में अपन देखे हैं कि कहीं भी रोड में ऐसे कुछ खराबी नज़र नहीं आई है। इस कारण मंत्री जी है लखमा जी यहाँ एक उभरते हुए सितारे हैं और बाकी जो कवरेज हम गांव में जाकर आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अभी तुम्हारा धर्मगुरु तमिलनाडु से, झारखंड से यहाँ पर आके आपका सेवा कर रहा है, जय कुमार के लिए जोरदार ताली मार रहे। हमारा साथ उड़ीसा का पूर्व विधायक मेरे साथी के रूप में आया है, उनके लिए जोरदार ताली मार रहे। मैं आपके बीच में आया हूं कि आप लोग सब जानते हैं कि यार 5 साल में सुना होता है, पहले राजा महाराजा लोग का राज थे, अभी लोकतंत्र का राज है। तो दुख और सुख को उसके बीच में आने के लिए, विकास विश्वास करने के लिए छत्तीसगढ़ में, हमारा देश में हमारा नेता राहुल सोनिया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। पृथ्वी परमेश्वर राजा 25 साल प्रभु आपके दास का यहाँ इस क्षेत्र में ये कुंडा परमेश्वर विधानसभा में प्रभु राजा ये कॉन्स्टिट्यूट एरिया में प्रभु आपने परमेश्वर सेवा डगने के प्रभु राजा कृपा की अनुग्रह परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। इस घड़ी में परमेश्वर आपके चरणों के लिए उन्होंने प्रभु आई प्रभु यीशु मसीह मुझे सहायता करेंगे और इन लोग और यीशु को मानने वाला लोग मुझे सहायता करेंगे, विश्वास के साथ ये आशा करता पिता परमेश्वर राजा प्रभु आपका गायना खाद परमेश्वर परमेश्वर खाद पर परमेश्वर सिर पर रखे प्रभु राजा आपने प्रभु राजा मोटू कौन है? किसका बेटा है? अच्छा सबको जय मच्छी, जय मच्छी डोकरा डोकरा ने पकड़ोल पकड़ो रास तो अभी हम लोग साथ में मंत्री जी के साथ में कवरेज के लिए आए हुए हैं कि कैसे उनकी सुबह का दिन चढ़िया रहता है, चुनावी माहौल को लेकर कैसे लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी खूबी क्या है, ये चीज़ को हम लोग जानने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि जो मंत्री जी है 25 साल से विधायक चुनते हुए आ रहे हैं और अपने इस बखूबी लोगों के बीच में मिलना, उनका मेल मिलाप कराना, आज इतने लोगों के बीच में चहेते बने हुए हैं, उस चीज़ के सिलसिले में हम लोग साथ में ही कवरेज का तैयार है, कैमरामैन पूरे कवरेज करना और यहाँ पे उनके सामने प्रशासन की पूरी टीम सिक्योरिटी के साथ में हम साथ साथ जहाँ भी जा रहे हैं मंत्री जी उनके साथ में हम लोग कवरेज करने के लिए जा रहे हैं। तो अम्मा जी आपका नाम क्या है? सुचित्रा। सुचित्रा तो ये इनको जानते जो भी आए हैं? हाँ जानते हैं। कौन है? लखमा दादी। लखमा दादी, लखमा दादी। तो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, अभी चुनाव है कुछ दिन पहले, ठीक है ना? तो किसको जिता रहे हैं, क्या है माहौल? जीतेगा किसका? जीतेगा तोर का। हाँ हाँ तो बढ़िया, इधर काम वाम हो रहा है मस्त है? कुछ कमी वमी हम लोग दादा बंगाली है। अच्छा तो वोट वोट तो देते होंगे ना बंगाली का? हाँ हो जानता। तो इधर सरकार की योजना बढ़िया पहुंच रही है? हाँ तो
तो इधर सब लकड़ी ज्यादा ऐसे यूज कर देंगे इधर लकड़ी आसानी से देख रहे हो सब लकड़ी लगाए हैं। हाँ सर। घर बनी मतलब पक्की घर इधर नहीं ना घर नहीं आया नहीं आया घर तो अभी मंत्री जी से बात नहीं की है। हाँ। क्या बोले मंत्री जी नहीं बताया हम लोग नहीं बताया तो बात नहीं करते क्या मंत्री जी से बात कर घर बनाना है ऐसे है क्या जीतेंगे अभी साथ में जहाँ जहाँ जो विधायक जी है लखमा जी अभी अपने जो भी गांव का निवास स्थल है जहाँ का विधानसभा एरिया है वहाँ वो प्रचार प्रसार के लिए निकल रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग की टीम भी पूरी निगरानी रखी हुई है उनके साथ साथ जहाँ भी काफ़िले जा रहे हैं यहाँ पर चुनाव आयोग की टीम पहुँच रही है और हमारे साथ साथ ऐसे पूरे बहुत से पूरा प्रशासनिक अधिकारी लोग भी हैं पूरे काफिले के साथ हम लोग सब साथ में कवरेज करते हुए जा रहे हैं और जहाँ जहाँ जो भी ग्रामवासी है पंचायत है वहाँ बैठ कर अपने लोगों से मिलकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी मत से जिताने की मतलब लोगों से अपील करते हुए सभा का रूप ले रहे हैं और उसी चीज़ को हम लोग कवरेज करने के लिए साथ साथ बने हुए हैं। हाँ नाम बता भैया बबला राम नागे सर जी जी तो ये जो आए हुए हैं मंत्री जी आए हमको जानते हो आप जी क्या नाम है उनका लपमा राम दादी सर है लपमा दादी है सर अच्छा लपमा दादी जी तो कैसा है उनका काम वाम बढ़िया बढ़िया है सर है? बढ़िया है सर बढ़िया है जी तो क्या लगता है अभी कुछ दिन विधानसभा चुनाव जी यहाँ भी बहुत बार काम कर चुके हैं सर अच्छा से अच्छा जी तो फिर से एक बार जीत रहे हैं जी क्या काम किए हैं ऐसे कुछ जी यहाँ जो बोलने से वो करते हैं सर अच्छा जी इतना लोग चाहते हैं इनको बहुत लोग चाहते हैं सर क्या काम किए हैं जैसे कि गाँव में आपके यहाँ गाँव में रंगमंच बनाए सर सीसी रोड लाए सब कुछ किए अच्छा और क्या किए हैं आप लोग के लिए जी लाइट भी ला दिए थे सर हाँ तो पहले लाइट नहीं था पहले लाइट नहीं था सर अच्छा और घर वगैरह का क्या है अभी जी घर वगैरह क्या है घर जो अभी चल रहे इंदिरा आवास अटल आवास वाला सब चल रहे हैं जी अभी तो बंद है सर फिलहाल अभी बंद है जी तो अभी वोटिंग करने के लिए जाते नहीं जाते हो जी वोटिंग करने जाते हैं सर किसको दोगे लपमा दादी को ही देते हैं सर। जय हिंद जय छत्तीसगढ़ मैं हूँ संजय सिंह सिंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसीजी न्यूज अभी हम लोग सुकमा आए हुए हैं और यहाँ के जो कद्दावर मंत्री जी है लखमा जी जो पूरे चर्चा रहता है पर छत्तीसगढ़ में और 5 बार विधायक चुनते हुए आ रहे हैं और बीजेपी पार्टी के पास कोई तोड़ नहीं है मंत्री जी का और इनकी इतनी ऐसी छवि है और मंत्री जी से परिचय देते हुए अभी विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री जी का परिचय लूँगा और मीडिया के माध्यम से मंत्री जी की जो भी बात है विचारधारा है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपना एक परिचय देते हुए अपन शुरुआत करते हैं मेरा को वैसे लखमा जी जी धन्यवाद आपका बढ़िया को जी जी तो मंत्री जी ऐसी आपकी क्या छवि है कि आप लगातार 5 बार विधायक बन के आए हुए हैं मंत्री बने हैं बीजेपी की पार्टी के पास आपको हराने के लिए कोई तोड़ नहीं है वो राज हम जानना चाहते हैं। मतलब मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ जी जी मैं एक कार्यकर्ता हूँ हाँ हाँ कांग्रेस पार्टी दरी बिछाओ झंडा बंधाओ छोटा सा काम का आदमी हूँ तेंदू पत्ता तोड़ा हूँ गोदी खोदा हूँ हाँ हाँ इस देश की सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस पार्टी मेरे को 6 बार टिकट दिया है जी 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 तो अपन को लगता है कि आने वाले समय में कभी आपको बीजेपी पार्टी तोड़ कुछ हराने में आगे रहेगी ऐसा क्या लगता है मंत्री जी? मेरा जनता प्यारे जनता जी जी मेरे को मंत्री नहीं बोलते हाँ हाँ MLA नहीं जानते दादी कहते हैं जी 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 इसलिए मैं जानता हूँ हाँ हाँ मेरा दिल बोलती है जी जी जब तक मैं जिंदा हूँ हाँ हाँ बीजेपी पास कोई तोड़ नहीं है जी जी तो ऐसे लोकप्रिय बीजेपी जी जी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 20 साल पीछे जा चुका है जी 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 15 साल इनको मौका मिला था हाँ हाँ बाजारे बंद किए आंगनबाड़ी बंद किए स्कूलें बंद किए आश्रमें बंद किए 700 गांव खाली हो गए हाँ हाँ थर्ड मिडला में 300 लोगों को मार दिए जी जी एर्राबर में नरसंघर्ष हुआ जी जी वो मलम आज 25 साल के बाद भी आने वाला पीढ़ी माफ नहीं करेगा जी 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 जो व्यक्ति इतना बड़ा जुल्म किया है हाँ हाँ जो व्यक्ति उस जुड़ों का नेतृत्व किया है जी जी उस व्यक्ति को कहा बीजेपी टिकट देने से और बुरा पची है जी 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 देने वाला आदमी भी नहीं देगा जी जी क्योंकि दर्द देखा है किसी का बेटी खोया है किसी का बेटा खोया है किसी का माँ खोया है किसी का पति खोया है वो दर्द कैसे खत्म होगा। हाँ हाँ उस गाँव में गया था उनका गाँव है गगनपल्ली जी जी गगनपल्ली के लोग 2 हिस्से बटे थे बाकी लोग जुड़ूम गए थे बाकी लोग नसलेट की तरफ गए थे। हाँ हाँ तो अब दोनों लोग गांव में आए हैं जी जी। अब शांति से जी रहे हैं जी जी। वहाँ रोड बन रहा है वहाँ चावल मिल रहा है हाँ हाँ।
तो ऐसा लोगों को माफ जनता नहीं करती है। और उसके पास से उस गांव में बत्ती जिस गांव में पैदा हुआ है उसका बाप कांग्रेस का MLA थे जी जी, उसको भगवान लोग मानते थे। तो उस गांव को 32 साल होके छोड़ा है, उसका त्यौहार में, उसके मरनी में, उसके शादी में, उस परिवार में नहीं जाता है, लोग कैसा होते हैं 32 साल गांव छोड़ना जी जी, तभी चुनाव लड़ने से जा रहे हैं हाँ हाँ, तो लोग वोट देंगे, ये कभी माफ नहीं होगा जी जी जी। तो ये नरसंहार्ष हाँ हाँ, हमारा आदिवासी लोगों को घर जलाना जी जी, बेटी बहन को मारना हाँ हाँ, रेती में दफनाना जी जी, ये लोग जब तक जिंदा रहेंगे आने वाला दूसरा पीढ़ी अगर माफ बोले करेगा अभी वाला पीढ़ी नहीं करेगा जी जी। मंत्री जी अभी हमसे ये बात चीज जाननी है कि सुकमा को आप चेंज कर दिए हैं, इतना होम टाउन ऐसा चकाचक रोड दिख रहा है, आपने कितने बड़ी चैलेंजिंग है, आप जीत के आते हैं तो उसको और क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? हमारा सुकमा का विकास, सिंहगढ़ का विकास, आज सिंहगढ़ घूमे हो तुम और जगह नहीं गए हो जी जी, सब गांव में रोड पहुंचा है जी जी, तुम गए थे छोटा सा छोटा गांव, 30 घर का घर हो हाँ, से 25 घर का पारा हो जी जी, हमारे यहाँ बड़ा बड़ा गांव नहीं है जी जी जी, छोटे छोटे 30 घर 10 घर 50 घर हाँ हाँ, उससे ज़्यादा नहीं है जी जी। वो पाकेला बड़ा पंचायत है लेकिन वो भी 10-10 घर 5-5 घर जी जी। तो हम लोग शाम तक जो ही घूमे हाँ हाँ, तो हर गांव में तुमको डामर रोड देखा जी जी, बिजली देखा हाँ, तो इसलिए बस्तर पीछे जिला हिंदुस्तान में या छत्तीसगढ़ का नक्शा में जी 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 जी, उसको ऊपर लाने का काम किया हाँ हाँ, सबरी नदी में 6 टोपुल 5-7 टोपुलिया बना दिया जी जी, हर नाला में पुल पुलिया बनाया, बिजली लगाया, आश्रम खोला, जो स्कूल बंद था उसको खोल दिया जी जी जी, बाजार बंद था उसको खुला दिया जी जी। ये राशन कार्ड 15 साल में लोग सरकार का सवाल नहीं कहा जी जी, 20,000 राशन कार्ड बनाया, 20,000 पट्टा बटा जी जी, 20,000 लोगों को आधार कार्ड बना जी जी, ओके भूल जाएंगे। इसलिए आने वाला समय में हम और विकास करना है जी जी, सुकमा को आगे ले जाना है जी जी, सुकमा को पढ़ाई करना है हाँ हाँ, जब आदिवासी पढ़ेंगे जी जी, नस्लट का रास्ता छोड़ेंगे हाँ हाँ, गलत रास्ता जाना बंद करेंगे जी जी। जब तक हम लोग रमन सिंह सरकार में, अभी जिस रोड में हम लोग जगदलपुर जाते हो हाँ हाँ, 5 किलोमीटर दूर में जी जी, कोई जा नहीं सकता था हाँ हाँ, जीरम घाटी में हमारा नरसंघर्ष हुआ जी, हमारा बड़े बड़े नेता लोग मरे जी जी, वहाँ 12 बजे दिन को जाने से लोगों को डर लगता था हाँ, आज 1 बजे रात को भी जाते हैं जी जी, सुबह 4 बजे भी जाते हैं, वो पहाड़ में नस्लट खत्म हो गया हाँ हाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नस्लट के पालने वाला पार्टी है, RSS पार्टी है, इसको देश से कोई संबंध नहीं जी जी, आदिवासी से कोई संबंध नहीं जी जी, ये सिर्फ कुर्सी से संबंध है हाँ हाँ, अब भारत को लूटने वाला संबंध है जी जी जी, जैसे अडानी लूट रहा है हाँ हाँ। अभी हमारा लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट डालेंगे विकास होगा जी जी, और भाजपा को वोट डालोगे अडानी को वोट जाएगा हाँ हाँ, और बैलाडीला को लूटेगा, नगर नार को ले जाएगा जी जी, आदिवासी का मोवा पेड़ काट देगा हाँ हाँ। इसलिए हम लोग बस्तर में जी जी, लोगों को ये बोल रहे हैं अगर अडा पहले नक्सलट थे अब नक्सलट कमजोर हो गए, और अडानी लाओगे फिर लूट डलेगा जी जी, इसलिए अडानी को बचाना है हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालना जी जी जी। हमारा पार्टी देवगुड़ी गोटूर हाँ, भूमिहीन किसान जी जी, भूमिहीन किसान को सिरा गुंडिया को हम लोग पैसा दे रहे हैं जी जी जी। आज राहुल गांधी आज घोषणा किया है हाँ, साल में हम लोग 10,000 रुपया देते थे, 7,000 रुपया देते थे, आने वाला सरकार बनेगा उनको 10,000 रुपये मिलेगा जी जी, 10,000 हाँ हाँ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, और पढ़े लिखे बच्चे हाँ हाँ, गरीब हो, आदिवासी हो, बंगाली हो, अनुसूचित जाति हो जी जी, उनको पहले क्लास से देके हाँ, कॉलेज तक पीरी जी जी, डॉक्टर बने, वकील बने हाँ, IPS IAS बने जी जी, वहाँ तक छत्तीसगढ़ सरकार पैसा देगा, बाप माँ बाप को 1 रुपया नहीं देना जी, बहुत सुंदर। हम लोग कर्जा माफी करेंगे, 17 लाख पक्का आवास बनाएंगे जी जी, प्रधानमंत्री आवास नहीं हाँ हाँ, मुख्यमंत्री आवास जी जी जी, हम केंद्र का 1 रुपया नहीं चाहिए अच्छा, 35,000 करोड़ रुपया हाँ हाँ, हम बजट में रखा है जी जी, हमारा पास संसाधन है जी जी, इसलिए 35,000 करोड़ का हम लोग टारगेट है हाँ हाँ, कि
17 लाख लोगों को पक्का कर देगी, हिंदुस्तान का पहला सरकार होगा। हाँ, हाँ, बस कुछ सवाल और बची है। जैसे आप आबकारी मंत्री है अभी, और ये दारूबंदी जो बात चल रही है, माजी बहुत लोगों को अभी भी मंसा रहती है क्या दारूबंदी होगी या नहीं, बस उसको आपके मुंह से जानना है। जैसे दारूबंदी नहीं होगी। जी जी जी, ये दारू दवाई है। अच्छा, हाँ हाँ, ज़्यादा पियेंगे तो नुकसान है। जी जी, कम पियेंगे तो दवाई है। अच्छा, तो इसलिए बोलते हैं दारू और दवा। हाँ हाँ, ये सामाजिक बुराई है। जी जी जी, इसलिए हमारा पार्टी घोषणा पत्र में लिखा था। हाँ हाँ, समय बुराई को बंद करना है। जी जी जी, लेकिन आज गुजरात में गांधी जी का धरती है। हाँ हाँ, वल्लभ भाई पटेल का धरती है। जी जी, वो आज क्या हालात होगा। हाँ हाँ, कहीं मोदी नहीं देख रहा है। जी जी, कहीं अमित शाह नहीं देख रहा है। हाँ हाँ, घर पहुंचे दारू मिल रहा है। हाँ हाँ, वहाँ रेट इतना है, इतना दारू है। हाँ, उसके बाद तुम्हारा बिहार में दारू बंद है। जी जी जी, 4 लाख आदिवासी अंदर है। हाँ हाँ, क्या हमको आदिवासी को अंदर करना है? जी जी, ये मेहनत कर रहे वाले लोग तेंदुपत्ता तोड़ते, मवा बीनते, एक पैक मारते हैं। हाँ हाँ, क्या नुकसान है? जी जी जी, तो ये चारों तरफ से घेरा हुआ राज है। हाँ हाँ, और बंद भी कर देंगे तो कहीं बंद नहीं होने वाला। गुजरात में बंद नहीं हुआ गांधी के अंदर, तो तुम्हारा बिहार में बंद नहीं हुआ। जी जी, आंध्र प्रदेश में वेंटी रामा राम बंद किया था। हाँ हाँ, अनबिस्ता परस्ता में एक बोट में आ रहा, अटैक में शाम को मर गया। जी जी, तो ये दारू पूरा देश में बंद होगा तब होगा। अच्छा, देश में बंद होगा तो विदेश से आएगा। हाँ हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, डस्ट आ रहा है। जी जी, तुम्हारा दवाई आ रहा है, ऐसे आएगा। लेकिन हाँ, आवाज आज में जी जी, पैसा वाला के लिए किधर है? गरीब लोग के लिए जहील है। हाँ जी, इसलिए दारू बंद करना। जी जी, हमारा आदिवासी परंपरा है। हाँ हाँ, देवगुड़ी में बच्चे पैदा हो, शादी हो, ब्याह हो, हम तरपते हैं। हाँ हाँ, हमारा देवी को तरपना है, चढ़ाते हैं। जी, इसलिए मैं तो शुरू से माना कि अब दारू बंद नहीं होगा। हाँ हाँ, बस लास्ट सवाल मंत्री जी, अभी आप आपको लगी रहा है कि विधायक तो आप बन के आएंगे ही, इस बार आपके मन में ऐसा क्या, ऐसे मंत्री बनने का कुछ मन में लक्ष्य हुआ कि कौन से विभाग के मंत्री आपको मिले? कुछ तो लक्ष्य होगा मंत्री जी, अभी आप आबकारी मंत्री है। मैं शुरू में बोला हूँ, हाँ, एक लाइन मेरा है। जी, मैं मंत्री बनने का कभी लालच नहीं। हाँ हाँ, फिर मन में कुछ, मैं तो पार्टी में सुनाओ। हाँ हाँ, टिकट देगा लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। जी जी, मैं झंडी बांधना कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार से मेरा विचारधारा बहुत है। जी, अच्छा जी, है। जी जी, राहुल गांधी से मेरा विचारधारा बहुत अच्छा है। जी जी, सोनिया गांधी और तुम्हारा राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, पंडित लाल नेहरू, इस परिवार से मेरा बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। जी जी, इसलिए मेरा मंत्री पद बहुत कोस कोई भी पर नहीं है। जी जी, अगर कांग्रेस पार्टी मेरे को देगा, जी जी, दारू बिछाओ, डंडी बांधाओ, हाँ हाँ, जिंदा बंधन अलग, वही मेरा जी जी लक्ष्य है। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद।